हेलो स्टूडेंट्स, गुरु नीति में आज एक बार फिर अपन मेटलर्जी को लेकर के आपके सामने हैं। मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, और मेरे साथ हैं डी राज सर। पहले हम दोनों लेक्चर आपके सामने लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, कोऑर्डिनेशन पार्ट सेकंड, कोऑर्डिनेशन पार्ट सेकंड वाला पार्ट। बिल्कुल सर, आज भी वही अपन ने कोशिश की है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन अपन ने मेटलर्जी से लिए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा एंटायर चैप्टर आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए सर, अब रोस्टिंग प्रोसेस इज अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ओट्स, वर्जन क्रिया निम्न में किस ऐसे के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो वर्जन, एक तो वर्जन होता है और एक होता है आपका कैल्सिनेशन। बिल्कुल, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, डिफरेंस भी। एक तो रोस्टिंग और एक आपका होता है कैल्सिनेशन। देखो, रोस्टिंग में वायु की प्रेजेंस में आपको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ये वायु प्रेजेंस मतलब कि आपके पास जो भी ओर है, कंसंट्रेटेड ओर के लिए ये काम में आता है, तो इसको O2 की प्रेजेंस में हीट देंगे, और यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड ओर होता है उसको अपन नॉर्मली हीट देंगे, क्योंकि इसमें पहले से ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है। अब ऑलरेडी ऑक्सीजन कौन कौन से ओर में है, उनके लिए तो आप कैल्सिनेशन ले लो, जैसे कार्बोनेट ओर हो गए, आप सल्फेट ओर की बात कर लो, हाइड्रोक्साइड ओर की बात कर लो, या हाइड्रेटेड कोई ओर है उसमें पहले से अगर आपके मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो आप उनके लिए ये काम में ले सकते हो। ये उनके लिए जाती है जिनमें ऑक्सीजन नहीं हो, तो वो आ गया आपका सल्फाइड ओर। तो ये मेनली आपके सल्फाइड ओर के लिए काम में ली जाती है। दोनों का ही रिजल्ट एक ही होगा, दोनों में आपका मेटल ऑक्साइड बनने वाला है, वोलेटाइल इंप्योरिटी है वो आपकी यहां से निकलने वाली है। दोनों ही आपकी रिवर्बरेटरी में, आपकी रिवर्बरेटरी फंडेंस में, बिल्कुल रिवर्बरेटरी फंडेंस में आपके दोनों यहाँ पे होती है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और है, दोनों में ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से कम पे करते हैं, और वोलेटाइल इंप्योरिटी हो जाती है। बिल्कुल, और इनडायरेक्टली तरीके से हीट किया जाता है दोनों में ही। मैं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्टली का मतलब है, जैसे फर्नेंस है आपकी, अगर हीट यहाँ दे रहे हो तो यहाँ से जो हॉट एयर आएगी उसकी हेल्प से इसको गर्म करेंगे ताकि ये मेल्ट ना हो, इस चीज का खास तौर से ध्यान रखा जाए। मतलब जैसे ब्लास्ट फर्नेंस में नहीं करना, हाँ रिवर्बरेटरी में करना। बिल्कुल, तो जैसे गैलेना हो गया आपका, ये हो गया पीबी है, तो सल्फाइड ओर है, बिल्कुल इसके लिए अपन रोस्टिंग काम में ले सकते हैं। आयरन पाइराइट हो गई, Mg2, इसके लिए भी आप काम में ले सकते हैं, जिसको मूर्खों का सोना भी आप सोना कहा जाता है ना, येलो कलर। CO2S है, ये आ गया कॉपर ग्लांस, इसका एक नाम और होता है सर, चालकोसाइट। चालकोसाइट, तो आप इसका एक कॉमन नेम और होता है चालकोसाइट, इसको कहा जाता है। तो ये भी आपका सल्फाइड ओर हो गया, तो सल्फाइड ओर के लिए आपका कौन सा आता है, तो बिल्कुल आपको ऑल ऑफ दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि जनरली सर, ये मेडिकल में क्या होता है, ये कॉमन नेम वाले जो है ना, हाँ, इनको याद रखना पड़ता है, इनके क्वेश्चन एक आता ही है मेडिकलर्जी में। बिल्कुल, ये आपका रिमेंबर हर एक साल रहता है, तो इसमें अपने जो फ्लो चार्ट बना के इनको है ना, आप कॉमन नेम सबके याद करिए ताकि ऐसे क्वेश्चन क्या इजीली हो जाए। बिल्कुल, ये लर्निंग पोर्शन है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। और की लिस्ट बना लो, एक कार्बोनेट और एक तरफ कर लो, सल्फेट और एक तरफ कर लो, सल्फाइड, ये इसे याद रखिए, इजी तरीके से ये चीजें आपको याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्माइट मिक्सर क्या होता है, थर्माइट मिक्सर जो होता है ना, ये एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस होता है। बिल्कुल, उसमें काम आता है, और इसमें अपन क्या करते हैं कि मेटल का कोई ऑक्साइड नहीं है, और ये एल्यूमिनियम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बिल्कुल, तो इसको क्या रिड्यूस करता है, ये ध्यान रखना है, थर्माइट जो होता है रिडक्शन, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा आपका कौन होता है, एल्यूमिनियम, पहली चीज तो ये। दूसरा, इसमें जैसे आपका ये Fe2O3 है, इसकी एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवा दी जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, Al2O3 और 2F आपका साथ में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट निकलती है, तो मेटल्स को मेल्ट करने के लिए भी ये काम में लिया जाता है, इस वजह से इसको आपका थर्माइट मिक्सर कहा जाता है। हालांकि इनके अलावा अगर बात करें तो क्रोमियम का ऑक्साइड होता है, उसके लिए भी आप ये काम में ले सकते हो, मैग्नीज के ऑक्साइड के लिए आप ये काम में ले सकते हो, इनके लिए आप ये मैग्नीज क्रोमियम और ये अपने Fe के ऑक्साइड ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें सर शायद रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए पहले टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इग्निशन मिक्सर यहाँ पे ज्वलन मिश्रण के लिए आपको काम में लिया जाता है, जिसके लिए बेरियम ऑक्साइड आपका, बेरियम ऑक्साइड लेते हैं मैग्नीशियम के फीते की सहायता से, इसको चलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन प्लस बेरियम ऑक्साइड आपका साथ में इग्निशन मिक्सर, ज्वलन मिश्र आपको यहाँ पे साथ लेके चलना है। जबकि पहले स्टार्टिंग में तो अपने को टेम्परेचर चाहिएगा, हाँ, बाद में इसमें काफी हीट, हाँ, बाद में हीट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। वही चीज जैसे आप दो न्यूक्लियस को ऐड करते हो, फ्यूजन उनमें करवाते हो,
तो इनिशियली उसको हीट चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है उसके बाद में बहुत ज्यादा हीट वहां से निकलती है। सेम प्रोसेस यहाँ है, इसको स्टार्ट होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जब एक बार रिएक्शन हो जाती है तो ये खुद ही आपकी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इसमें कई जगह ना इसका रेशो भी पूछ लेते हैं, हाँ जैसे 3:1 रेशो होता है इसका, हाँ ये भी ध्यान रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रेशियो के साथ ही पूछा, रेशो भी याद रख लेना बिल्कुल, 3:1 का रेशो मतलब Fe2O3 आपका तीन पार्ट होगा और एल्यूमिनियम आपका पार्ट वन पार्ट वन पार्ट। नेक्स्ट चलिए सर, वो आगे सर अपनी ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस जो है किसमें यूज होती है पूछ रहे, तो आपको पता है ब्लास्ट फर्नेस एस मेल्टिंग के लिए, प्रगलन के लिए आपकी ये काम में, ये होता क्या है प्रगलन, देखो ये मेनली तब काम में ली जाती है जब मान लो आपके पास देखो वोलेटाइल इंप्योरिटी है वो तो रोस्टिंग कैंसिलेशन से निकल गई और वहां से आपको मेटल ऑक्साइड बन गया, अब मेटल ऑक्साइड का फिर से आपको रिडक्शन करवाना है वहां से इंप्योर मेटल मिलने वाली है, उसके लिए अपन एस मेल्टिंग काम में लेते हैं। और यहां पर क्या होता है कि जो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी है वो नहीं निकल पाती है तो एस मेल्टिंग उसके लिए काम में लेंगे। तो जब भी एस मेल्टिंग की जाती है तो फ्लक्स मिलाए जाते हैं, क्या मिलाए जाते हैं आपके फ्लक्स मिलाए जाते हैं, एक आपका कंसंट्रेटेड और के बाद में उसका रोस्टिंग और कैल्सिलेशन हो गया और वहां से जो और आता है उसको चार्ज और कहा जाता है, तो एक आपका हो गया चार्ज और, चार्ज और बोल दो या पोर्ड और, क्योंकि जब कैल्सिनेशन या रोस्टिंग होता है तो उसमें पूरे में पोर्स बन जाते हैं जिससे उसका एक्टिविटी या रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, तो चार्ज और फ्लक्स और साथ में कोक काम में लिया जाता है। क्लियर, कई बार इनका रेशियो भी पूछ लेता है लेकिन वो और के हिसाब से होता है, कौन सा और होता है उसके हिसाब से इनका रेशियो लेके चलेंगे। क्लियर, फ्लक्स क्या होते हैं, फ्लक्स आपके इंप्योरिटी के साथ मिलेंगे जो नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी है, ठीक है, हालांकि मैं शायद वोलेटाइल बोल के मैं बात कर रहा हूं कि ये फ्लक्स काम में लिया जाता है नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी, तो ये क्या करेगा इसके साथ मिलकर के फ्यूजिबल इंप्योरिटी बना देगा, ठीक है, तो वोलेटाइल की बात नहीं करेंगे, फ्यूजिबल वो मैं बोल गया पहले जो इंप्योरिटी थी तो वो गलती नहीं है, नॉन फ्यूजिबल होती है फिर उसको फ्यूजिबल में कन्वर्ट कर, फिर फ्यूजिबल, तो यहां से इंप्योरिटी और फ्लक्स आपके मिलकर के बना लेंगे स्लैब और ये फ्यूजिबल होता है, इसकी डेंसिटी भी कम होती है, तो जब भी आप एस मेल्टिंग करोगे ना तो ये स्लैग ऊपर आ जाएगा तैर के, इसके दो फायदे हैं, पहला तैर करके ऊपर आ गया तो उनसे अलग हो गया, दूसरा पूरी सरफेस को कवर कर लेगा तो जो मेटल है ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है वो दोबारा से एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगी, तो ऐसे ये स्लैग अपने लिए बेनिफिशियल भी होता है, मेटल को बचा लेता है, मेटल को बचा लेगा और लेना जी भी ऑक्सीडाइज, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाएगी, नहीं तो जहां अपन थे वही वापस भी प्रोसेस है, ठीक है, और ये आपका रिडक्शन के तौर पे काम में आता है। एक चीज का ध्यान रखना, एलिगम डायग्राम आप जब देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 983 जो केल्विन टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, और अगर इससे टेम्परेचर हाई हो जाता है तो कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, 983 से कम टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और इससे हाई टेम्परेचर पर कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एलिगम डायग्राम की अपन थोड़ी बात करेंगे तब समझा देंगे आपको। क्लियर, तो यहाँ पे आपका ये एस मेल्टिंग की बात थी कुछ इसके बारे में अपने इंट्रोड्यूस, बाकी और भी आ गया है, फ्लक्स भी कई टाइप के होता है, बताइए एसिडिक बेसिक एसिडिक बेसिक प्योरिटीज के अकॉर्डिंग, ये सर ने बात कर ली तो आपको बता देते हैं, एक होते हैं एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स बेसिक इंप्योरिटी को उठाते हैं, तो कौन से होंगे जैसे SiO2 है, इसकी नेचर कैसी होती है एसिडिक, तो ये आपका एसिडिक फ्लक्स है और बेसिक इंप्योरिटी मान लो CaO है, ये नॉन फ्यूजिबल है, तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे SiO3 जिसको अपन स्लैग कहेंगे, ये फ्यूजिबल है, तो बेसिक इंप्योरिटी को उठाया ना इसने, एक आगे बेसिक फ्लक्स, तो अब ये बेसिक नेचर का ये फ्लक्स मान लो आप किसी में मान लो सिलिका की इंप्योरिटी है तो उसको उठाने के लिए ये मिला तो कैल्शियम ऑक्साइड दोनों मिलके बनाने स्लैग ही है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि एसिडिक फ्लक्स कौन से होते हैं, एक की इंप्योरिटी दूसरे के फ्लक्स का काम है कर सकती है। एक होते हैं न्यूट्रल फ्लक्स, न्यूट्रल फ्लक्स जैसे हॉल हेराल्ड प्रोसेस होता है अपना, तो एलुमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए और उसकी कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए अपन क्या लेते हैं क्रायोलाइट काम में लेते हैं, जो एक प्रकार का न्यूट्रल आपका फ्लक्स है, तो फ्लक्स आपका तीन प्रकार का हो गया, क्यों सर? खैर ब्लास्ट फर्नेस की अपन बात कर रहे थे, एस मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस होती कैसे है, एक तो हाई टेम्परेचर होता है इसके अंदर, इसीलिए यहां पे कोक काम में ले रहे हैं एज ए फ्यूल ताकि टेम्परेचर हाई हो,
और ब्लास्ट फर्नेस को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है, उसका ऊपर का टेम्परेचर तो कम होता है और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ऊपर का टेम्परेचर कम है जहां 983 से कम है वहां पर तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करने वाली है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, और जहां टेम्परेचर हाई हो चुका है वहां रिडक्शन का काम करने वाली है अपनी कार्बन। क्यों सर? नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर। फोर्थ क्वेश्चन जी सर, ये काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, मतलब आपको जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो ना उसको मैच कर दो, यहाँ पे आपको मैचिंग मैचिंग ही खेलना है। मैचिंग वाला क्वेश्चन, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज मत हो, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो चीज पहले मैच कर लो, इतने में आपको आंसर भी ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले साइनाइड प्रोसेस की अपन बात करें, तो साइनाइड प्रोसेस आपको याद है ना, मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस, बिल्कुल एजी और गोल्ड के लिए फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे दे दिया एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, तो ये मैच हो गया आपका किससे? डीसी। इसी प्रकार फ्लोटेशन प्रोसेस, तो ये इसके अंदर फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए काम में लिया जाता है, इसमें फ्रोथर्स मिलाए जाते हैं, फ्लोटिंग एजेंट इसमें मिलाए जाते हैं, फ्रोथ स्टेबिलाईजर इसमें मिलाए जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे फ्रोथर्स के लिए पे पाइन का ऑयल काम में लेते हैं, ठीक है, इसी प्रकार फ्लोटिंग एजेंट के लिए सोडियम एथिल जेंथेट या पोटेशियम एथिल जेंथेट आपका काम में लिया जाता है। तो वही चीज आपको फ्लोटेशन प्रोसेस, तो यहां से मैच हो रहा है सिर्फ सेकंड में बी में पाइन ऑयल, क्यों सर? तो ये बी आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, अभी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए मैंने बात कर रहा था होल हेराल्ड प्रोसेस, जहां से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम, तो उसमें क्या किया जाता है, एक आपकी कंडक्ट वो होती है फर्नेंस होती है, वो आपकी इलेक्ट्रिक फर्नेंस होती है, जिसके एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सही होता है, एनोड कैथोड बनते हैं, एनोड कैथोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होल हेराल्ड प्रोसेस तो आपको पता है, ये एल्यूमिनियम ले लिया एल्यूमिनियम की, और जोन रिफाइनिंग ये मेनली सेमीकंडक्टर्स के लिए अपन काम में लेते हैं, याद रखने का ये ट्रिक है, अल्ट्रा प्योर मेटल, बिल्कुल यहां से सबसे ज्यादा प्योर अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन का भी, अल्ट्रा प्योर बिल्कुल। तो ये मैच हो जाएगा आपका किससे? इससे। तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड। आप इसमें आगे बात कर लेंगे, ये भी थोड़ी बात कर लेंगे जोन रिफाइनिंग की, आगे आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर। नेक्स्ट देखिए सर, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन, अब देखो ये जो अपन कंसंट्रेशन मेथड लेते हैं ना, इन सब के अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं, आपको बताएं। बिल्कुल, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है ये वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ओर पार्टिकल्स पर होता है, जैसे में गीले होने के गुण पर आधारित है, जैसे कुछ पार्टिकल क्या ऑयल से गीले होते हैं, कुछ पानी से गीले होते हैं जी, तो दोनों की डेंसिटी में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि जैसे मान लो जो झाग होते हैं ना वो तो हल्के होते ऊपर आ जाते हैं, और जो भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। बिल्कुल, तो इसमें हमारे पास एक पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ओर पार्टिकल्स, और एक पूछा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ओर पार्टिकल्स, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है ये, तो वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ओर पार्टिकल्स, तो अपना आंसर हो गया थर्ड। तो देखो कंसंट्रेशन के चार टर्म्स है, आप याद रख लो, चार आपके पास प्रोसेस है जिनसे आप ओर का कंसंट्रेशन कर सकते हो। इसको कंसंट्रेशन क्यों कहा गया है, पहले तो ये समझो आप, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट वहां ज्यादा क्वांटिटी में, अगर एक सॉल्यूशन की बात करें तो वैसे ही ओर है, ओर में अपना सॉल्यूट मतलब जो अपने लिए जो नेसेसरी चीज है, जो अपने को चाहिए रिक्वायर्ड जो चीज है वो मेटल है, तो अपने को मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। तो ऐसा नहीं कि भाई उसमें और मेटल मिला के कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अपने को मेटल तो निकालना है, तो एक काम करें उसमें से इंप्योरिटी हटा दें तो मेटल अपने आप ज्यादा बच जाएगा उसमें। मान लो आपके पास इनिशियली 3 kg और है और उसमें मेटल आपकी 2 kg है, अब आप उसमें से 1/2 kg इंप्योरिटी हटा दी, अब आपका टोटल वेट कितना हो गया 2.5 kg, उसमें से 2 आपकी क्या है मेटल, तो अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो कंसंट्रेशन टर्म्स वो है जिनमें मेटल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है, कैसे बढ़ती है कि इंप्योरिटी उनमें हटाई जाती है, खास तौर से मोटा मोटी जो इंप्योरिटी थी उनकी, मतलब मेटल के अमाउंट तो बढ़ाते जाओ इंप्योरिटी कम करते जाओ, कम करते, इसलिए नाम रखा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इसमें चार टर्म्स होती हैं अपनी, पहला प्रोसेस तो होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ये सल्फाइड ओर के लिए काम में आता है, लेकिन एक चीज का याद रखना, जब बात चली गई तो अर्जेंटाइट जो होता है ना उसके लिए ये मेथड यूज नहीं करते, इसके लिए क्लोरीनेटिंग यूज करते हैं, इसका मतलब कि NaCl से रिएक्शन करवा के AgCl बनाया जाता है, ये मेथड से अच्छे रिजल्ट इसके नहीं आ पाते हैं। तो आप अर्जेंटाइट सल्फाइड और है, लेकिन इसके लिए कभी भी आप फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज नहीं करना है। आगे अपन चले दूसरी चीज, अब ये किस पर बेस है, तो वेटिंग नेचर पे बेस है, कैसे वेटिंग नेचर पर, भीगने की नेचर पर, मतलब कि जो मेटल होती है वो तो आपकी ऑयल में भीगती है, जो ऑयल में भीगेगा
वो आपका फ्रोथ बनाएगा, और इम्प्योरिटी आपकी भीगती है पानी से तो वो वाटर में सोल्युबल होकर रह जाएगी। तो इसमें जनरली क्या किया जाता है, एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में आपके फ्रोथर्स मिलाए जाते हैं जो झाग बनाते हैं। जैसे आपका अभी देखा था आपने पाइन ऑयल, तो इसमें मैंने जैसे मान लो पानी और पाइन ऑयल डाल दिया, उसके बाद में जो कर्सिंग और ग्राइंडिंग के बाद में जो अपने पास पाउडर्ड हो रहा है वो मैं इसमें मिला दूंगा, फिर या तो ये प्रोसेस या इसमें फेन लगा दूंगा, फेन फ्रोथेनेशन कर देंगे, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा रिएक्शन और कुछ नहीं है। तो यहां से फ्रोथ बनना शुरू होंगे, अब फ्रोथ बन गए, अब उनको स्टेबलाइज भी करना है, तो इसमें फिर स्टेबलाइजर मिलाई जाएंगे, फिर स्टेबलाइज। तो इसमें बनता कैसे है, जैसे ये मेटल है तो आपको पता है जो पाइन ऑयल है उसमें दो पार्ट है, एक तो आयनाइज्ड पार्ट है और एक हाइड्रोकार्बन चेन है। हाइड्रोकार्बन चेन आपकी हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो तो मेटल के चारों ओर आके एडजॉर्ब हो जाएगी। ध्यान से देखना, एडजॉर्प्शन हो रहा है यहाँ, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक हो रहा है एडजॉर्प्शन, बिल्कुल सर। तो ये एडजॉर्ब हो गया यहाँ पे, और बाहर की तरफ आपका वो पोलर हेड आ गया, तो ऐसे एक मिसाइल फॉर्मेशन हो गया, मिसाइल फॉर्मेशन बिल्कुल। अब आपको ये ध्यान रखना, इसमें अब सर्कुलर लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये एक स्फेरिकल होता है, एक गोला होता है, ये मिसाइल सेंटर में मेटल आ गई। अब ये बंद हो गए, क्लियर, स्टेबलाइजर मिला दिए ताकि ये मिसाइल स्टेबल हो जाए। फिर आपका क्या किया जाता है, फ्लोटिंग एजेंट जैसे सोडियम एथिल जेंटेट, पोटेशियम एथिल जेंटेट, वो मिलाएंगे स्टेबलाइजर के लिए, क्रिसोल वगैरह काम में लिए, क्रिसोल फिनोल, फिनोल ये ठीक है। तो वो तो झाग को आपके स्थाई कर देंगे फ्रोथ को, अब फ्लोटिंग एजेंट, फ्लोटिंग एजेंट आके इससे जुड़ेगा और इसको तैरा के ऊपर ले आएगा और झाग को अलग कर लेंगे, तो मेटल इधर आ गया, इंप्योरिटी अंदर रह गई। तो किस पे डिपेंड किया है, वेटिंग नेचर पे, क्योंकि ये ऑयल में भीग रहा था इसलिए फ्रोथ बना पाया, क्यों सर? चाहिए एक और में, मतलब जैसे एक तो ऑयल में भीग जाएगा और एक पानी में भीग जाएगा, पानी में भीग जाएगा, तो गीले होने के प्रिंसिपल पे आधारित बिल्कुल। दूसरा आता है अपना ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसको लेविगेशन भी बोल दिया जाता है। तो ये डेंसिटी डिफरेंस पे बेस है, मतलब कि आपको पता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो हैवी होगा उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा। तो अपने को सबसे सिंपल मेथड है, आपको क्या करना है, जिनमें डेंसिटी में इंप्योरिटी और मेटल दोनों की इंप्योरिटी डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उनको वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना लो, अच्छे से घोल लो, उसके बाद में क्या करना है, एक ढलान वाली सरफेस ले लो, उस पर गिरा दो, ठीक है। तो क्या होगा, वहां से दोनों वेलोसिटी के साथ जाएंगे, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी उस पर ग्रेविटेशन कम लगेगा, वो आगे चली जाएगी, और जो हैवी होगी वो पहले रुक जाएगी। तो एक सिंपल सा होगा, मैंने हल्का और भारी बन का जो डेंसिटी का सिंपल, या फिर इसको सिंपल से यूं कर सकते हो, इसके अंदर आप सॉल्यूशन बना लो उसका पानी के अंदर, और यहां से वाटर पास करो फ्रेश, इधर से वाटर, तो जो हल्की होगी वाटर के साथ घुल करके निकल जाएगी, हैवी होगी वो इसमें बस जाएगी, जैसे तो, रेत वगैरह नीचे रह जाएगी, हां बिल्कुल, और बाकी और सुपर बिल्कुल सर। तो हेवी के लिए ये काम में आती है, तो हेवी में कौन आते हैं, कार्बोनेट और, तो ये याद रखो ग्रेविटी सेपरेशन मेनली कार्बोनेट और के लिए काम में आता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला तो किसके लिए आता है, अगर यहां पे बात करता कौन से ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड की, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या फिर लेविगेशन लिखता। फिर एक दे रखा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसके तो अपन अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रिडक्शन में आपका वहां पे काम आएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अब आपके पास दो प्रकार के और एक और है, जिसमें एक तो इंप्योरिटी और एक मेटल हो गई, दो चीजें हो गई एक और में। तो अगर इन दोनों में से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो, दोनों नहीं, दोनों में से एक, या तो मेटल इंप्योरिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो आपका, या फिर इंप्योरिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो, तो इसमें क्या किया जाता है, मैग्नेट के बने हुए दो पोल होते हैं, इन पर एक रिबन होता है। अब आप यहां से क्या करोगे और गिराओगे, तो ये जाएगा, अब मैग्नेट से जो अट्रैक्ट हो रहा है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो तो यहां एक काम जाएगा, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो बाहर। जनरली अपन क्या करते हैं, हेमेटाइट तो इसमें आयरन है, ठीक है, मैग्नेटाइट आयरन है, तो अपन उनके लिए ग्रेविटी सेपरेशन लिख देते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उनके अंदर इंप्योरिटी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो हेमेटाइट और इनके लिए आपका लेविगेशन मेथड काम में आता है, ठीक है। जैसे कैसिटेराइट की बात कर लूं यहां पर, SNO, उसके लिए ये काम में ले सकते हैं, क्योंकि SNO2 आपका कैसा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता, लेकिन इसमें जो इंप्योरिटी होती है वोल्फ्रामाइट की, उनमें इंप्योरिटी, वो मैग्नेटिक नेचर रखता है, तो वो तो यहां गिर जाएगी और कैसिटेराइट आपका इधर चला जाएगा SNO2। फिर दूसरी चीज का जो ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन से जो भी और जाता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं सर, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, लेकिन जो इंप्योरिटी निकलती है
उसको गैंग कहेंगे। और याद रखने का तरीका है, अशुद्धि गैंग है, इंप्योरिटी गैंग है, और गैंग हमेशा बुरे लोगों की होती है। बस सही, अच्छे लोगों का तो ग्रुप होता है, अवांछनीय अशुद्धियां जो हाँ, कहने का मतलब इसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। और थर्ड वाला है वो केमिकल लीचिंग मेथड, वो धीरे धीरे आगे बात करेंगे अपन। क्यों सर, नेक्स्ट चले सर। तो अपना जैसे कि सर ने बताया वेटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे, अच्छा मेरे जेब में ही आ गया ये। देखिए सर, जिंक प्लांट जो पूछ रहा है आपको, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक प्लांट इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, बिल्कुल, या फिर भर्जन और उसके बाद कार्बन द्वारा रिडक्शन करेंगे, या फिर रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद अनदर मेटल, बिल्कुल, या फिर रोस्टिंग फॉलोड बाय द सेल्फ रिडक्शन। तो अपन सर इसको तो सीधा ही काट सकते हैं सेल्फ रिडक्शन को, तो क्योंकि सेल्फ रिडक्शन तो उनके लिए काम में लिया जाता है जिनकी एसआरपी 0.79 से ज्यादा हो जाती है, वो ही सेल्फ रिडक्शन दे पाते हैं क्योंकि उनके ऑक्साइड स्टेबल नहीं होते, वो ऑटो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिंक प्लेट जिंक सल्फाइड, अब सल्फाइड आ गया तो रोस्टिंग कर दो, तो इसकी अपन कर देंगे रोस्टिंग, तो ये बन गया जेड, में बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन, ZnO बन गया, साथ में SO2 बन गई। अब आपको तो जिंक चाहिए, तो आप एक काम करो इसका कार्बन से रिडक्शन कर दो, Zn प्लस CO बन जाएगा, या आपके दोबारा से ये CO यूज हो जाएगा जो बचे हुए हैं उनके लिए, तो ये Zn प्लस CO2 बन जाएगा। तो यहां से तो वही करना है, रोस्टिंग करनी है और फिर कार्बन से रिडक्शन करवा देगा। यह भी ध्यान रखना कि कार्बन किसका रिडक्शन कर पाता है किसका नहीं कर पाता है, कहीं क्या करते हैं जो भी ऑक्साइड आता है कार्बन से रिडक्शन शुरू करवाते थे, जैसे अगर आप आपको कह दूं मैं एल्यूमिना का करना है, तो कई बार थे क्या करते हैं कि सर ने कहा था कि ऑक्साइड आते हैं कार्बन से रिडक्शन कर दो, अगर आप इससे कार्बन से रिडक्शन करोगे तो एल्यूमिनियम कार्बाइड, मतलब कि सबके लिए कार्बन अच्छा रिडक्शन एजेंट नहीं है। तो इसमें आंसर सर कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, सेकंड रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए सर, व्हिच प्रोसेस रिप्रेजेंट द कौन सा प्रक्रम उपस्थित है, एक इक्वेशन दी है और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोसेस है। तो ये जो टाइटेनियम आपको दे रखा है, टाइटेनियम में पहले तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा लो टेम्परेचर पर, तो बिल्कुल, और फिर ये हाई टेम्परेचर पर वापस टाइटेनियम में लेगा, ये पहला टेम्परेचर तो होगा लो टेम्परेचर और ये हाई होगा और हाई भी ज्यादा। तो इसमें क्या रहता है, वॉन अर्कल मेथड होता है ना, ये बड़ा फेमस मेथड होता है, तो ये टाइटेनियम के लिए आपके लिए जर्कोनियम, जर्कोनियम HF और बोरोन के लिए और एक HF, इनके लिए क्या होता है एप्लीकेबल होता है, ये आपको याद रखना है कि इनके लिए वॉन अर्कल मेथड लगता है। तो इसमें क्या होती है कि जो भी इम्प्योरिटी होती है ना अपने को रिमूव करनी है, तो पहले अपन क्या करते हैं वोलेटाइल कंपाउंड बना लेते हैं, बिल्कुल, फिर इसको क्या हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे ना तो वापस टाइटेनियम और फिर आयोडीन की वेपर रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ये वॉन अर्कल मेथड इसमें यूज कर लेंगे, तो इसका अपना आंसर वॉन अर्कल। इसका मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो मेटल है और इम्प्योरिटी है दोनों ही नॉन वोलेटाइल हो, क्यों सर, तो अगर दोनों ही नॉन वोलेटाइल होते हैं तो जैसे मान लो आपकी ये मेटल हो गई और ये इंप्योरिटीज हो एक साथ प्रेजेंट है और दोनों की दोनों कैसी है नॉन वोलेटाइल और ये भी आपकी कैसी है नॉन वोलेटाइल, तो इसमें क्या किया जाता है बाहर से एक ऐसा कंपाउंड मिला दिया जाता है जो इन दोनों में से एक के साथ बॉन्डिंग करके उसको वोलेटाइल कर देगा। जैसे मान लो मैंने एक्स मिला दिया, अज्यूम करो ये एक्स मान लो आपके मेटल से बॉन्ड बना रहा है और बन गया MX, तो इसी को तो वोलेटाइल किया ना। अब जैसे आपने लो टेम्परेचर दिया तो लो टेम्परेचर देते ये इससे अटैच हो गया और ये वोलेटाइल हो गया और ये वेपर फॉर्म में अलग आ गया, अब ये इंप्योरिटी यहीं पर रुक गई, अब ये अलग आ गया कंपाउंड क्योंकि ये कैसा है वोलेटाइल है, क्लियर। अब इसको हाई टेम्परेचर दे दो, जो वेपर थी उसको अलग अपने क्या कर लिया स्टोर कर लिया, अब उसको अपन ने हाई टेम्परेचर दिया और जैसे ही हाई टेम्परेचर दोगे इनका बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, तो आपको पता है ये तो खुद वोलेटाइल था ही तो ये तो हट जाएगा और आपको पता है कि अकेली मेटल तो नॉन वोलेटाइल थी तो ये आपकी कंटेनर में नीचे स्टोर हो जाएगी। तो ये इसमें दो प्रोसेस आते हैं, एक तो वॉन अर्कल मेथड जो सर ने बता दिया कि टाइटेनियम जर्कोनियम बोरोन और HF के लिए काम में आती है, और एक आपका मंड प्रोसेस होता है जो निकल के प्यूरिफिकेशन के लिए काम में आता है, क्यों सर,
उस पर भी अपन ने सवाल दिया है, आगे बात। ये दोनों वेपर फेज रिफाइनिंग की पढ़ा। हाँ, वेपर फेज रिफाइनिंग। नेक्स्ट चले सर। नेक्स्ट। हाँ सर। Which of following is not a refining process? अभी refining process आपको जो purification method है ना, वो refining का मतलब ये एक metallurgical word है, मतलब purification method है। मतलब ये यहाँ से जो metal बनने वाली है वो एकदम pure condition में मिलेगी, बात ये करो। तो ये पहला bare process दे रखा है, तो bare process ये क्या हो गया आपका? Chemical और leaching method। ये concentration terms है। ये आपका जो है ना bare process, ये concentration method हो गया। देखो चार कंसंट्रेशन मेथड अपन ने पढ़े थे, उसमें एक अपन ने छोड़ दिया था कि भाई केमिकल मेथड जिसको बोलते हैं, लीचिंग मेथड इसी को बोला जाता है, ठीक है, वो अपन ने छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये जनरली इसमें चार प्रोसेस होती हैं। एक तो होती है बेयर, एक होती है हॉल्स, एक होती है आपकी सरपेक, सरपेक, और एक होती है मैक ऑर्थर फोर्स एंड साइनाइड प्रोसेस। तो ये तो होती है आपकी एजी, एजे, एयू और एयू के लिए, जिसके अंदर आपका पहले एनएसीएन या केसीएन से रिएक्शन करवाई जाती है ओटू की प्रेजेंस में, और फिर आगे जिंक के, जिंक डस्ट या जिंक के टुकड़े इसमें डाल दिए जाते हैं। और ये जो बेयर होल सरपेक होती है वो एल्यूमिनियम के लिए काम में ली जाती है। एल्यूमिनियम में भी किसके लिए? बॉक्साइट के। अब बॉक्साइट भी दो प्रकार का होता है, एक तो रेड बॉक्साइट और एक व्हाइट बॉक्साइट। बॉक्साइट में इंप्योरिटी होती है Fe2O3, TiO2 और SiO, तीनों इंप्योरिटी होती है बॉक्साइट में। लेकिन जो रेड बॉक्साइट होती है उसमें इंप्योरिटी ये होती है, इन दोनों ज्यादा होती है। हाँ, और व्हाइट बॉक्साइट होता है उसमें SiO2 की इंप्योरिटी ज्यादा। तो व्हाइट बॉक्साइट के लिए तो अपना सरपेक मेथड काम में आता है, जिसमें व्हाइट बॉक्साइट को कार्बन प्लस नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, क्यों सर? और जो बेयर है और हॉल्स है इसमें अगर बात करें तो अगर आयरन के ऑक्साइड की ज्यादा इंप्योरिटी है तो आप बेयर काम में ले लो, और नहीं तो आप टाइटेनियम की है तो हॉल्स काम में ले लो। बेयर में शायद अपने NaOH काम में आता है, सॉल्वेंट अलग, इसमें सॉल्वेंट अलग अलग यूज। हाँ, इसमें Na2CO3 काम में आता है। बाकी को आपको खुद को भी पढ़ना है, कुछ सारी चीजें यहाँ डिस्कस नहीं हो। वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सोडियम मेटाल्यूमिनेट बनता है, सोडियम वापस आ गया, फिर उसको हाई टेम्परेचर दे देंगे लगभग 1473 केल्विन, तो आपका एल्यूमिना बन जाता है। और वैसे ही यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनने वाला है सरपेक में, सरपेक, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर टेम्परेचर जैसे दोगे आपका लास्ट में एल्यूमिना बन जाएगा, और तीनों से एल्यूमिना आने वाला है। फिर उसका होल हेराल्ड प्रोसेस काम में लिया जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में रिडक्शन रिडक्शन है ना, फिर वापस प्योरिफिकेशन मेथड आ जाता है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन टर्म्स, और यही अपने को पूछा था। वन और केल अपन डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर तो अल्ट्रा प्योर मेटल मिलती है। पोलिंग, पोलिंग कब काम में ली जाती है? जब आपका कोई मेटल हो और उसमें उसी के ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो, जैसे कॉपर में कॉपर के ऑक्साइड की, लेड में लेड के ऑक्साइड की, तो पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग में क्या किया जाता है? जो भी आपकी मेटल है मान लो उसी के ऑक्साइड की इंप्योरिटी है, तो बड़े गड्ढे होते हैं खोद करके, उनमें मोल्टन फॉर्म में उसको डाल दिया जाएगा मेटल को, फिर हरी लकड़ी के जो गड्ढे होते हैं, हाँ बम्बू, उनको उसमें घुमाएंगे। अब आप हो गए, वो घुमाने से क्या होगा? तो हरी लकड़ी है तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, उसके पास मेटल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो वहां कंबसन हो जाएगा, CO2 और SO2 निकल जाएगा, प्योर फॉर्म में आपका वहां पे मेटल मिल जाएगा। ऐसे ही आपका कपलेशन, कपलेशन कब काम में लेते हैं? पहली बात तो कपलेशन के लिए जो कंटेनर काम में लिया जाता है वो आपका बोन एस का बना होता है, और उसमें बारीक पोर्स होते हैं जहां से हॉट O2 पास की जाती है। अब O2 क्यों पास करें? इसका मतलब जो मेटल और इंप्योरिटी है उनमें से जो इंप्योरिटी होते हैं वो ज्यादा बाइंडिंग नेचर रखती है ऑक्सीजन के साथ। जैसे मान लो आपके एजी में लेड की इंप्योरिटी है, तो कपलेशन काम में लो। कपलेशन का मतलब बोन है इसके कंटेनर में इसको डाल दो, हॉट एयर पास करो, तो ये आपका PbO और PbO2 बनाएगा, तो ये वेपर फॉर्म में निकल जाएगा। और बोन एस का इसलिए लिया जाता है, कुछ को ये अब्सॉर्ब भी कर लेगा अंदर, यही पे ये जो कंटेनर बना होता है बोन का, इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है। हाँ, तो ये इस इंप्योरिटी को यहां अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इंप्योरिटी मेटल थी अपनी एजी, उसमें इंप्योरिटी थी पीबी, अगर इन दोनों के ऑक्सीजन से रिएक्शन करें तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ये रखता है। तो जब भी इंप्योरिटी ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी ज्यादा रखे, मेटल कम रखे, तो उसके लिए कपलेशन काम में ले ले, क्यों सर? तो ये नाम भी क्यूपेलेशन है ना, हाँ, जो एक क्यूपेल शेप में होता है। हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए नाम क्यूपेलेशन रखा गया। तो ये भी आपका एक रिफाइनिंग मेथड है।
तो फर्स्ट आंसर यहां हो जाएगा। नेक्स्ट चले जी। हां सर, अभी अपना क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, पॉलिश प्रोसेस यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज कर रहे हैं? कॉपर में कॉपर के ऑक्साइड की इंप्योरिटी। हाँ, तो फर्स्ट हो जाओ, जब मेटल में उसी के ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो, तो अपन ने ऑलमोस्ट चीजें पढ़ ली है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। ये आपने वो एल्यूमिनियम, ये तो नहीं, एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, एल्यूमिनियम के लिए आ गया, तो ये रिटर्न मेथड हो गया। एक मिनट, फॉर द रिमूवल ऑफ एल2। अच्छा, ये कहना जा रहा है कि Al2O3 से Al के लिए, तो इसके लिए तो होल हेराल्ड और फिर उसके बाद में जो अपनी मतलब प्रोसेस एल्युमिनियम के काम आ जाएगा, पोलिंग के लिए नहीं आएगा, पोलिंग नहीं आ पाएगी इसके लिए। फिर उसके बाद में बात करें रिमूवल ऑफ Fe2O3 से Fe, तो इसके लिए तो एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के फिर किया जाता है, क्यों सर? थर्माइट, एल्युमिनियम थर्माइट। तो अपना आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट वही चीज, एसिडिक प्लस। मैंने ये कहा था कि एसिडिक प्लस बेसिक इंप्योरिटी को हटाएंगे, इसका मतलब एसिडिक प्लस एसिडिक नेचर के होंगे, तो पहला तो एसिडिक नेचर का होना है, दूसरा बेसिक प्लस है, तो बेसिक प्लस एसिडिक इंप्योरिटी को हटाएगा, इसका मतलब खुद बेसिक नेचर का होगा। अगर ये ले लू, ये एसिडिक है और ये आपका एम्फोटेरिक है, तो ये नहीं हो सकता, ये हट गया, क्योंकि एम्फोटेरिक तो एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर यहाँ पे पहला एम्फोटेरिक दे दिया, दूसरा एसिडिक दो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला एसिडिक होना चाहिए, तो ये रहा पहला एसिडिक और ये दूसरा हो गया बेसिक, और लास्ट वाले में पहला बेसिक दे दिया और दूसरा एसिडिक, तो ये तो बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल हो गया, लेकिन यहाँ पे रेस्पेक्टिवली देखना है आपको, थर्ड हो गया, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चले सर, चलो देखिए सर, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, अभी ये सर ने पहले बताया था, बिल्कुल ये सारी चीजें आ चुके हैं, डेंसिटी इसका सेटिंग इस पर हो जाए। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट। हां सर, इन द इलेक्ट्रोलाइट वी फाइंड लेड, Sb, Au, Ag, Aur फाउंड लेड के विद प्रेजेंट में, ये जो अपने को मिलते ना, देखो अब अपने को ये महंगी मेटल मिल रही, देख लो, तो ये जो आपके पास एनोड मड होता है, बिल्कुल उसके नीचे इंप्योरिटी मिलती है आपको, इसमें लिखा ओन एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन एनोड मड, इन एनोड मड आ जाएंगे। बिल्कुल, आप याद रखो, जब भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाता है तो कैसे करते हैं, जिस मेटल का आपको रिफाइनिंग करना है उस इम्प्योर मेटल का एक मोटा सा एनोड बना लेंगे, पूरी मेटल का, इम्प्योर मेटल का एनोड बना लेंगे, इम्प्योर का कैथोड बना लेंगे, इम्प्योर मेटल इसका बना लिया आपने एनोड, और इसी का जैसे मान लो कॉपर का प्योरिफिकेशन करना है, तो कॉपर की ये इम्प्योर जो रोड है वो है, और यहां प्योर कॉपर आ गया, ये बन जाएगा कैथोड। और एक चीज और, जो मेटल लेके चल रहे हो प्योर मेटल, क्योंकि मैं कॉपर की बात नहीं कर रहा, सबके साथ में बात कर रहा हूं, अब जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे कॉपर का तो कॉपर सल्फेट होना चाहिए, लेड का तो लेड सल्फेट होना चाहिए, मतलब जिसका प्यूरिफिकेशन करना है ना उसी का सोल्ट होना चाहिए, तो यहां आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट आ गया यहां, क्लियर? अब जैसे ही आप करंट सप्लाई करोगे बैटरी से कनेक्शन करके, तो होगा क्या, यहां से ये मेटल यहां आएगी और इस पर रिड्यूस होकर के प्योर फॉर्म में इस पर एक्टिव होती जाएगी, तो ये धीरे धीरे बारीक हो जाएगा और ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, और इसमें जो इंप्योरिटीज हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स अंदर भी, और लेस रिएक्टिव कौन होती है, प्लेटिनम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, वो नीचे एक्टिव हो जाएंगे, इसको कहा जाता है एनोड मड, क्योंकि एनोड के नीचे आ रहा है, और मड का मतलब आप समझते हो कचरा पट्टी, तो ये इंप्योरिटी है इसके लिए, यहां तो इंप्योरिटी भी बढ़िया है सर। हां, सोना चांदी मिल रहा है, अब आप कहोगे कि ये सोना चांदी तो यूं ही वेस्ट जा रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, और अगर आप इससे गोल्ड बनाने की कोशिश करोगे ना, तो खर्चा तो हो जाएगा ज्यादा, ठीक है, और जब सेलिंग पे जाओगे तो जितना आपने लगाया ना उतना प्रॉफिट कमा ही नहीं पाओगे, समझ गए? इसलिए ये यहां पे सिर्फ इंप्योरिटी के फॉर्म में है, इंप्योरिटी ही रहेगी, ये आप यहां से गोल्ड एक्सट्रैक्ट यहां से नहीं कर सकते, क्यों सर? तो यहां पे इन एनोड मड में मिल जाएगा, एनोड मड में आएगा थर्ड। नेक्स्ट चले, देखिए मोल्ड प्रोसेस जो है ना, बड़ा फेमस मेथड, आपको पता है ये निकल के लिए, निकल के लिए यूज होता है, निकल, आपको पता है निकल में निकले नॉन वोलेटाइल है, इसमें नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल की ही इंप्योरिटी है, तो ये इंप्योर है। अब जैसे कि अपने पहले कहा था वेपर फेज, तो इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है किससे, सीओ से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, लगभग 70-60 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है, मतलब लो टेम्परेचर,
अगर टेम्परेचर ध्यान में नहीं है तो लो टेम्परेचर, तो निकल टेट्राकार्बन NiCO4। और आपको बताइए एक वोलेटाइल है, अब जैसे इसको हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट इसमें 180 होता है, तो जैसे हाई टेम्परेचर देंगे तो निकल बन जाएगा और फॉर CO, तो इंप्योरिटी तो वही रह गई थी, तो ये प्योर अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी मेल्ट प्रोसेस, वो वेपर फेज वाला है, तो अपना आ जाएगा थर्मल डीकंपोजिशन, सेकंड आंसर, सेकंड आंसर, क्योंकि थर्मल डीकंपोजिशन से क्या थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं टेंपरेचर को। नेक्स्ट लेसन, अब वो प्योरिफिकेशन मेथड पूछ लिया अभी, बताया था वो कपलेशन, कपलेशन चांदी में काम आता, क्योंकि इसमें सिल्वर में लेड की इंप्योरिटी होती है, लेड की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी ज्यादा होती है, तो अपना थर्ड आंसर। वन और केल आपको सर ने बताया था सेमीकंडक्टर्स के लिए काम में, सॉरी टाइटेनियम जर्कोनियम और आर्सेनियम उनके लिए, वो जोन रिफाइनिंग, हां वो जोन रिफाइनिंग हो गया। लिक्विफेक्शन मेथड, चलो इसकी भी बात आ गई तो कर लेते हैं, पोलिंग की ऑलरेडी कर चुके हैं। लिक्विफेक्शन का मतलब ये होता है कि जो मेटल है लिक्विड फेज में जाने की ज्यादा नेचर, जिंक कैडमियम उसमें, जिंक कैडमियम मर्करी उनके लिए, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट, इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो यहां से क्या होगा कि जैसे इसको हीट दोगे तो ये पेयर फॉर्म में लिक्विड आकर के यहाँ एक भी क्यों सकता है, तो ये अपना कपलेशन हो जाएगा, तो इसमें तो कपलेशन मेथड अपन डिस्कस कर लिए पहले। ब्लास्टर कॉपर, ब्लास्टर कॉपर पूछ रहा है, तो अफोलेदार तांबा जो होता है ना वो बेसमर कन्वर्टर में मिलता है, बेसमर कन्वर्टर में फफोलेदार तांबा, फफोलेदार क्यों पड़ता है, इसमें SO2 गैस निकलती है, बिल्कुल आप याद रखो, देखो कॉपर ग्लांस है, पहले उसका अपन ने रोस्टिंग किया, फिर एस मेल्टिंग करो, तो एस मेल्टिंग के जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो CO2S और CO2 होंगे, साथ में इंप्योरिटी होती है उसमें आयरन के ऑक्साइड के, तो उसमें बेसेमर कन्वर्टर में उसको डाल देंगे और वहां से क्या हॉट एयर पास करेंगे, तो यहाँ पे ये सब है तो ऑटो रिडक्शन शुरू हो जाएगा, CU2S और ये CO2O, ये आपस में रिएक्शन करके Cu+SO2, अब ये जो SO2 बन गई, ठीक है जैसे ही अब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, अपन इसको साइड में रख देंगे, धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन जो SO2 बन गई है वो निकलेगी और बुदबुदाहट से बाहर निकलती है, तो जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो गैस निकलती है, तो वही यहाँ से ऊपर एक फफोले टाइप की उसकी सरफेस पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन, हाँ ब्लिस्टर फफोले से बन जाते हैं, इन्हें नाम पड़ गया ब्लिस्टर को, तो ये बेसमर कन्वर्ट कर। नेक्स्ट होल हेराल्ड प्रोसेस, ये भी अपन बात कर चुके हैं इनके साथ, देखो होल हेराल्ड प्रोसेस में एलुमिना के लिए काम में लिया जाता है, एलुमिना से एल्युमिनियम का रिडक्शन करना होता है, ठीक है एलुमिना का रिडक्शन करो और एल्युमिनियम बनानी होती है, फिर उसका एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग मेथड से प्योर एल्युमिनियम आ जाएगा, तो इस दौरान मैंने कहा था एक न्यूट्रल फ्लक्स मिलाया जाता है क्रायोलाइट, साथ में फ्लोरोस्पार मिलाया जाता है, क्रायोलाइट Na3AlF6 होता है, आप इसको यू भी लिख सकते हैं Na3AlF6, ये क्रायोलाइट साथ में फ्लोरोस्पार मिलाया जाता है, इनका रोल क्या होता है, एलुमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है, लगभग 2800 के आसपास होता है ना, तो ऐसे में क्या करेगा जब ये मिलाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 800-900 के आसपास आ जाएगा, जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कोई भी जो विद्युत भट्टी है, जो जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है, उसका इतना हाई टेम्परेचर कंटिन्यूसली बनाए रखना पॉसिबल नहीं है, मेंटेन करना उसको मुश्किल है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर लेंगे ये मिला के। दूसरी चीज इसका फायदा क्या है, कंडक्टेंस भी बढ़ा देगा एलुमिना की, ये कंडक्टर क्योंकि आयन प्रोवाइड करवाएगा जिससे कंडक्टेंस इसकी बढ़ जाएगी, तो ये दो कामों के लिए मेनली, कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, दो काम करता है, ये कई बार क्वेश्चन आया भी है। हां तो यही आ गया, इन ए प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट व्हिच फॉर्म ए मेल्ट विद लोअर मेल्टिंग टेंपरेचर, ठीक है तो अपना आंसर हो जाएगा किसमें। नेक्स्ट, हाँ सर अभी आपको करेक्ट मैच करना है, ये आपको नाम याद होना चाहिए, कॉमन फॉर्मूले याद होने चाहिए, टिन का फॉर्मूला कैसेटराइट क्या होता है, बिल्कुल कैसेटराइट आपको पता हो तो SNO2, अभी बताया था इसके साथ वोल फॉर्माइट की इंप्योरिटी होती है और इसके लिए ग्रेविटी सेपरेशन काम में लेते हैं, मेथड काम में लेते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, सॉरी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक करके बात डिस्कस की थी ना, बिल्कुल लिथार्ज पीबीओ हो गया, पीबीओ हो गया, ये सीडराइट FeCO3 हो गया, और एजुराइट आपका हो गया कार्बोनेट CO3 CO4
एडजुवेंट होता है। अब इनमें से आप देखो तो ये दो तो मैच हो गए, बाकी ये तो आयरन का है ना कि कॉपर का, और ये कॉपर का है ना कि जिंक। ए और बी दोनों मैच हो रहे हैं, ए और बी मैच हो रहे हैं, इसलिए आंसर अपना थर्ड। नेक्स्ट केमिकल मेथड या लीचिंग मेथड इसको कहा जाता है, मेक ऑर्डर साइनाइड फॉर्जेंट प्रोसेस इसको कहा जाता है, एक प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी NaCN के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो देखो क्या होगा, AgCN2Na+Na2S बन जाएगा। अब आप एक चीज देखो, ये क्या होता है, वापस रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्लियर, ये वापस से इसके साथ रिएक्शन करके रिवर्स कर देगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, इसको आगे ऑक्सीडाइज कर देंगे, इसलिए यहां पे ऑक्सीडेशन कर सके इसका, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर किसको काम में लेते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो ये इसको Na2SO4 में बदल देगा, जिससे रिएक्शन रिवर्स ना हो, क्लियर। फिर उसके बाद में जिंक मिलाएंगे, तो ये देखो यहां प्लस वन में है, जैसे ही जिंक मिलाएंगे जिंक इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहां बन जाएगा Na2ZnCN4, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है वाटर सोल्यूबल, और यहां से क्या बन जाएगी Ag। तो देखो जिंक यहां से प्लस टू में गया और सिल्वर प्लस से इसमें गया, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, किसने किया है, जिंक ने किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यही दे रहा है इसको, तो O2 तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिंक आपका यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सर, सेकंड वाला, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सर। हाँ सर, Cr2O3 क्रोमियम क्वेश्चन, क्रोमियम की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये भी अपन बात कर ली, बिल्कुल, एल्यूमिनोथर्माइट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एल्यूमिना काम में, एल्यूमिनियम काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट, अब ये लीचिंग प्रोसेस कुछ है, कंसंट्रेशन का है, ये भी अपन पूरी बात कर चुके हैं, कंसंट्रेशन। अब आप कहोगे कि सर ने तो ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए, सीधे आंसर बता रहे हैं, तो हम जब ये क्वेश्चन इंक्लूड किए थे तो हमें पता था, राइट, नहीं पहले अपन डॉक्टर डिटेल भी लिए, तो हमने क्या किया, हमें पता था कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए हमने थ्योरी पहले बाइंड अप की है, ताकि आपको पता चले कि थ्योरी ब्रीफ होने के बाद में क्वेश्चन आसानी से कैसे हो जाता है, फटाफट हो जाते हैं, बाकी एंटायर चैप्टर इसमें आ रहा है, कोई छुट्टा नहीं है, लीचिंग मेथड केमिकल सेपरेशन मेथड है ये तरह से। नेक्स्ट लेसन है, अब वो नर्कल मेथड वापस आ गया, वो नर्कल मेथड ये किसके लिए काम आ रहा है, बस वही पेपर फेज वाला है आपका, तो इसमें वोलेटाइल स्टेबल कंपाउंड है, एक स्थायी वाष्पशील यौगिक में, फिर वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड, तो अनस्टेबल होगा वो, अनस्टेबल बनेगा, फिर टेंपरेचर देंगे, फिर वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। अगर स्टेबल होगा तो वोलेटाइल स्टेबल बना लिया, तो आपने मेटल को तो वोलेटाइल फॉर्म में अलग लिया है, ये काम तो कर लिया, लेकिन अगर वो स्टेबल होगा तो टूटेगा नहीं, तो मेटल पे और कैसे आएगा, क्यों, तो इसलिए वो कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल अनस्टेबल। सेकंड, नेक्स्ट लेसन, अच्छा आयरन के धातु कर में बात है, भट्टी के पेंदर पैक के ऊपरी परत वाली क्या होती है, तो उसमें सिलिका की इंप्यूरिटी होती है, इसकी इंप्यूरिटी होती है सिलिका की, तो जब भी आप लास्ट फर्नेंस में लेके जाते हो किसको, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को, तो वहां से आप क्या करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हो साथ में और कार्बन मिलाते हो, और कैल्शियम कार्बोनेट आपका हाई टेम्परेचर वहां होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में टूट जाता है। अब ये बेसिक नेचर का होता है और ये आपकी इंप्योरिटी है, दोनों आपस में मिलकर स्लैग बना लेंगे, एक फ्लक्स हो गया, एक इंप्योरिटी और एक स्लैग बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा, और स्लैग के क्या क्या बेनिफिशियल है ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट, अब ये पूछा है निस्तापन का उदाहरण कौन सा है, यानी कैल्सिनेशन, तो आपको पता है एक तो रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन, ये भी बात कर ली अपन ने, बिल्कुल, रोस्टिंग सल्फाइड और रोस्टिंग है, और जिसमें पहले से ऑक्सीजन हो उसके कैल्सिनेशन, तो आपको यहाँ पे कैल्सिनेशन पूछा है, तो इसमें पहले से ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, ज्यादा पढ़ो मत, बस हटाओ, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट दे रहा है, हो ही नहीं सकता, ये तो रोस्टिंग है, ये भी नहीं हो सकता, ये आ गया, मैंने कहा था कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड है और या फिर हाइड्रेटेड और या मेटल ऑक्साइड जो मॉइस्चर के साथ हो उनके लिए काम में आता है, तो ये आपका कैल्सिनेशन। नेक्स्ट,
कौन सी धातु ऑक्साइड के, ऑक्साइड के धातु में अपचयन संबंधित नहीं है? कार्बन रिडक्शन प्रोसेस S20, तो इसमें तो बिल्कुल रिडक्शन है, रिडक्शन एल्यूमिनो थर्माइट, इसमें भी एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर सेल्फ रिडक्शन, तो यहां पे भी रिडक्शन ही होता है। देखो कैसे, CO2S CO2O 6CO प्लस SO2 वाक नहीं है, रिडक्शन से ऑटो रिडक्शन प्लस 1 से ये इसमें आ गया है, तो रिडक्शन बाहर से अपने को रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिला ना, हां ऑटो रिडक्शन हो गया। फिर इसके बाद में बात करें कैपिलेशन, तो आप यहां पे देखो ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहां पर अपने को रिडक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एजी में लेड की इंप्योरिटी है। अब हटाने के लिए इसके रिडक्शन नहीं, अपन तो ऑक्सीडेशन काम में ले रहे हैं, क्योंकि अपन इसमें O2 मिला रहे, O2 के पर इसकी बाइंडिंग नेचर ज्यादा होती है, PbO और PbO2 बन जाएगा, जिसको बोनेस का जो कंटेनर होता है वो इसको क्या वो कर लेगा और कुछ होगी वो कुछ वोलेटाइल होगी, वोलेटाइल होगी बाहर निकल जाएगी और प्योर एजी बच जाएगी, तो कहीं पे भी रिडक्शन नहीं हुआ, राइट। तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन, मेटल सल्फाइड आ गया, फिर मेटल ऑक्साइड। तो देखो मेटल सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड के लिए सर अपन रोस्टिंग, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो इसके लिए तो हो गई रोस्टिंग, फिर रोस्टिंग से ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बन गया तो अब उसका रिडक्शन करना है, रिडक्शन करना है तो आ जाइए रिडक्शन, तब आपकी इंप्योर मेटल, अब इंप्योर मेटल है तो सीधा उसका रिफाइनिंग, तो आपके रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से आप कर सकते हैं, कई मेथड है रिफाइनिंग के, लेकिन यहाँ पे मैच करना पड़ेगा आपको, तो वो रिफाइनिंग मेथड, आप जेड को रिफाइनिंग मेथड भी बोल सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं, पहला रोस्टिंग सही है, दूसरा रिडक्शन सही है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस आप कहेंगे रिफाइनिंग मेथड, तो ये सही हो गया। दूसरे वाले के पास जाओ तो ये सही है, लेकिन ये गलत हो गया, रिडक्शन होना चाहिए था, इसके पास आओ रोस्टिंग सही है लेकिन ऑटो रिडक्शन है, मेटल सल्फाइड मेटल हो भी सकता है कहीं का, नहीं भी हो सकता, लेकिन बेसिमराइजेशन की बात करें तो ये यहाँ पे आपका उसमें प्योर मेटल फॉर्म में यहाँ से नहीं आती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग फिर करनी पड़ती है, कॉपर में आता है, लेकिन उसके लिए भी अपने को लास्ट में प्योर मेटल के लिए तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी पड़ती ही पड़ती है, राइट, बेसिमराइजेशन नहीं बोल सकते, नन ऑफ दिस। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, क्यों सर, राइट। नेक्स्ट, घबराना नहीं, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो क्वेश्चन देखिए सर, वन ऑफ द प्रोसेस यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज जनरली यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, आपको चैप्टर पढ़ा रहा है, ये कह रहा है कि सल्फाइड ओर के लिए जनरली फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड काम में लेते हैं, अगला बोल रहा है, Sometimes in this process we add NaCN, लेकिन कई बार अपन क्या करते हैं इनमें NaCN मिला देते हैं, और NaCN आपको पता है एक प्रकार का इनिबेटर टाइप का होता है, फ्रोथर को रोक देता है, ये रहा, ये देखो डिप्रेसेंट होता है, ये मतलब कि मान लो कि आप इसको बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा समझ लो आप, कई बार क्या होता है कि इम्प्योरिटी और अपना मेटल दोनों की ही ऑयल में भीगने की नेचर है, तो सेम नेचर हो गई भीगने की, और दोनों ही फ्रोथ बनाने लगती है, तो ऐसे में अब अलग कैसे करें, तो बाहर से या तो आप एक्टिवेटर मिला दो, फ्रोथ एक्टिवेटर, वो क्या करेगा एक की मतलब फ्रोथ बनाने की नेचर को बढ़ा देगा, क्यों, उसकी सीएमसी को कम कर देगा, क्रिटिकल मिस कंसंट्रेशन को, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होती है, मिनिमम कंसंट्रेशन होती है जिस पर आप मिसेल फॉर्मेशन शुरू हो जाए, ठीक है, तो एक्टिवेटर मिलाएंगे किसी एक की सीएमसी को कम करके उसके जल्दी फ्रोथ बना देंगे, तो ऐसे अलग कर सकते हो, या फिर वहां पर डिप्रेसेंट मिलाएंगे, डिप्रेसेंट क्या करेंगे एक के साथ जुड़ करके उसको फ्रोथ बनाए, जैसे रोक देंगे तो दूसरा फ्रोथ बनाएगा, ठीक है, तो ये होता है डिप्रेसेंट, समझ में आ गया चीज, आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है NaCN इज जनरली एडेड इन केस ऑफ जिंक और ये आगे, तो देखो दोनों ही ऑयल में भीगती है, दोनों की ही यहां पर फ्रोथ बनाने की नेचर है, तो ऐसे में अगर आप इसमें NaCN मिलाओगे तो NaCl इसके साथ वाटर सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है, आपको पता हो तो, मैं एक ऑर्थर साइनाइड फोर्सेंट प्रोसेस में भी आपको बताया था, राइट, तो एक में वाटर सोल्युबल बन जाएगा, अब ये वाटर सोल्युबल बन गया, इसका मतलब है ये फ्रोथ है नहीं बनाएगा, अब फ्रोथ कौन बनाएगा, PbS, तो आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ NaCN ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रोथ, ये तो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, आ जाओ फिर, तो यहां भी आ गया, देखो ए सोल्युबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड रिएक्शन बिटवीन NaCN एंड जिंक व्हाइल PbS फॉर्म्स फ्रॉथ, समझ में आ गई होगी आपकी चीज, तो
अपना आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। अगर लैंग्वेज बड़ी हो ना तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही उसको आप इंप्लीमेंट करते चलो, उसको आप लिखते चलो चीजों को अलग करके। कहने का मतलब अपन दोनों दो सल्फाइड और को सेपरेट करने का मेथड है। हाँ, मतलब कि दोनों फ्रोथ बना रहे हो तो अब आपको डिप्रेसेंट मिलाना पड़ेगा या फिर एक्टिवेटर मिलाना पड़ेगा। जैसे एक्टिवेटर के तो ये दो है तो सल्फाइड, लेकिन एक मान लो ज्यादा अमाउंट में, एक कम मात्रा में। हाँ, तो एक इंप्योरिटी का काम कर रहा है और एक और का काम कर रहा है। बिल्कुल, जैसे अब इसके लिए अपने डिप्रेसेंट काम में ले लिया और मान लो ये ज्यादा क्वांटिटी में था, ये कम था, अपने को इसको अलग करना था, तो एक्टिवेटर मिला देते जैसे कॉपर सल्फेट टाइप, तो वो क्या करता इसकी सीएमसी कम कर देता। अब ये फ्रोथ बनाता बनाता वो भी, लेकिन वो बनाना शुरू करेगा उससे पहले ये बना चुका है पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सीएमसी क्रिटिकल मिशन कंसंट्रेशन और एक क्राफ्ट टेंपरेचर जो अपन पर्टिकुलर यूज करते हैं अलग कंडीशन में, जो सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। बिल्कुल, सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देखने हैं इसमें। ट्रू फॉल्स देखना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है सीधे। तो ये रहा पहला, देखो एवरी मिनरल्स इज एन ओर, पहले ही गलत बोल गया। देखो अर्थ क्रस्ट से जो निकाला जाए वो मिनरल है, कुछ भी हो जाए, जैसे सोयल ये मिनरल है, बॉक्साइट ये भी आपका मिनरल है, ठीक है। अब आप सोयल से एल्यूमिनियम लेना चाहते हैं और एक बॉक्साइट से एल्यूमिनियम लेना चाहते हैं, सोयल से भी एल्यूमिनियम मिलेगा बॉक्साइट से भी, लेकिन सोयल में एल्यूमिनियम की क्वांटिटी कम है तो आपको वहां पर काफी ज्यादा हार्ड प्रोसेस लगानी पड़ेगी, काफी खर्चा करना पड़ेगा और यील्ड अपनी कम आएगी, तो ये घाटे वाला बिजनेस हो गया। जबकि मेटलर्जी ये कहता है कि प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए इकोनॉमिकली और आपका कन्वीनियंसली होना चाहिए, दोनों चीजें, मतलब कि प्रोसेस आसान भी हो और सस्ती भी हो तो प्रॉफिट होगा। और बॉक्साइड से आप इजी गोइंग, आप क्या कर सकते हो एल्यूमिनियम निकाल सकते हो, तो बॉक्साइड आपका और भी है, मतलब कि और वो मिनरल होता है जिसमें पर्टिकुलर किसी मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होती है और उसको इकोनॉमिकली और कन्वीनियंसली आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये तो उल्टा बोल गया, तो ये तो पहला तो फिर ये अपन सर बात कर चुके हैं साथ फॉर्मेशन की बात कर चुके हैं। स्लैग इज प्रोडक्ट फ्रॉम ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब इंप्योरिटी की बात कर रहा है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स, ये रहा साथ में बोल दिया ना, इंप्योरिटी और फ्लक्स से मिलकर के आपका स्लैग बनता है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखिए सर, हाईली प्योर मेटल कैन बी ऑब्टेन जॉन रिफाइनिंग, ये सही है बिल्कुल, जॉन रिफाइनिंग से सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना उसके लिए एप्लीकेबल होता है। और कार्नेलाइट, तो कार्नेलाइट का तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, KCl MgCl2.6H2, आपको पता है तो ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, क्या पता मतलब कि मोर देन वन टाइप के आयन सोर्स, सभी आयनों का टेस्ट एक्वस मीडियम में मिलता हो तो डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट, तो ये आपका फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें सोडियम दे दिया, तो फॉल्स ट्रू टू फॉल्स, सेकंड आंसर हो जाएगा। जॉन रिफाइनिंग के सर इनके साथ थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। देखो जॉन रिफाइनिंग में क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल होती है, मैं लिए सेमीकंडक्टर्स के लिए काम है था, तो इम्प्योर मेटल की रोड ले ली अपन ने और ये मेथड उनके लिए काम में लेती है, एक प्रिंसिपल होता है इसका भी कि जो इम्प्योरिटी है ना वो सॉलिड की बजाय लिक्विड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है, ठीक है, सॉलिड की बजाय लिक्विड में ज्यादा एग्जिस्ट करेगी उसमें ज्यादा सोल्यूबल होगी, तो मेटल की अपन ने एक रोड बना ली, ठीक है। अब इसको किसी भी एक वैक्यूम जनरेट करके उस पर रख दिया, इसमें एक इनर्ट गैस बढ़ दी, अब इनर्ट गैस प्रोवाइड करवा दो चाहे आर्गन से करवा दो, कोई भी एक इनर्ट गैस, जनरली आर्गन अपन इसके लिए यूज करते हैं, तो इनर्ट वैक्यूम पंप जनरेट करके उसमें इनर्ट गैस बढ़ दी, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर मिल गया जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन वगैरह ना। अब क्या करेंगे, इसके चारों तरफ अपन मूवेबल हीटर रखेंगे, मूविंग हीटर रखेंगे, अभी हीटर यहां पे है तो ये मेटल क्या होगी, मेल्ट होना शुरू होगी और जिधर जिधर टेम्परेचर जाएगा वहां लिक्विड स्टेट रहेगी, अपन ने कहा कि इंप्योरिटी लिक्विड में ज्यादा सोल्यूबल है तो वो हीटर के साथ साथ चलेगी, घूमती रहेगी, हाँ, तो यहां आ गई, फिर यहां से ये हीटर हट जाएगा तो इंप्योरिटी रुक गई, फिर हीटर वापस आपका आके यहाँ टिक, मतलब यहां जाएगा फिर हट जाएगा फिर यहां आके लग जाएगा, तो यहां से फिर इंप्योरिटी साथ साथ जाएगी, तो ये बीच वाला तो होता है मोल्टन जोन, ठीक है, यहां पे इंप्योरिटी इकट्ठी हो जाएगी और धीरे धीरे लास्ट में फाइनली प्योर मेटल यहां आ जाएगी। अब आप कहोगे कुछ मेटल भी तो उतर जाएगी, बिल्कुल जाएगी, लेकिन यहां तो प्योरेस्ट फॉर्म में मेटल होगी, इस टुकड़े को काट के अलग कर लो और यही प्रोसेस फिर दोहराओ, धीरे धीरे सारी मेटल प्योर वाली इधर आ जाएगी, इंप्योरिटी को हटाते चलो, तो इसीलिए इसको अल्ट्रा प्योर प्यूरिफिकेशन कहा जाता है, इसमें बहुत काफी प्योर मेटल, प्योर मेटल में 99.99% यहां पे प्योर मेटल आपको मिलेगी और मेनली सेमीकंडक्टर्स के लिए आपके ये काम में आती है। क्लियर?
इसको जोन रिफाइनिंग कहा है, इसलिए देखो तीन अलग अलग जोन बन चुके हैं, मोल्टन जोन हो गया, जोन रिफाइनिंग करते हैं और ये स्पेशल सेमीकंडक्टर भी यूज करते हैं। जी सर, नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट कॉपर ग्लास दे दिया आपको। कॉपर ग्लास क्या होता है? Cu2S होता है। बिल्कुल सर, Cu2S। अब ये कह रहा है O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीजन इनिशिएट कर लिया तो Cu2O बन जाएगा और Cu2S भी बन जाएगा। ठीक है, आपको पता है पार्शियल रोस्टिंग के प्रोडक्ट याद होने चाहिए, कंप्लीट रोस्टिंग के प्रोडक्ट भी आपको याद होने चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये बन चुका है, अब इसको आगे आपको क्या करना है, प्योर पूछा है क्या? हाँ, आगे उड़ दीजिए, एम के बाद एन स्टेप। फिर ये कह रहा है कि जो एम बन चुका है ये तो हो गया आपका एम, अब यहां से कॉपर, तो इसमें ऑटो रिडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऑटो रिडक्शन के लिए भी अपने को टेम्परेचर देना पड़ता है, तो यहां से क्या बन जाएगा? Cu+SO2। तो ऑटो रिडक्शन बोल दो या हीटिंग बोल दो। ठीक है, तो यहां पे देखें Cu2O गलत है, इसके साथ Cu2S भी बनता है। फिर आगे Cu2O और हीटिंग, सिर्फ हीट करना है तो अपने यहां भी रिएक्शन हो जाएगी। ये प्रोसेस तो ऑटो रिडक्शन हो गई, लेकिन आपको तो ये पूछा है ये क्या, ये प्रोसेस तो ऑटो रिडक्शन हो चुकी है। ठीक है, कहीं क्या करते हैं सर, सेल्फ रिडक्शन आ गया ना, तो ये प्रोसेस सेल्फ रिडक्शन है। आपको तो ये कह रहा है ओनली एन क्या है, ओनली एन तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वाला सिंबल है, क्यों सर? तो ओनली सेकंड आंसर। नेक्स्ट ये अपन बात कर ली। बिल्कुल सर, ये न्यूट्रल फ्लोरेस पार आपका CaF2 तो होता है, ये आपके न्यूट्रल फ्लक्स जिनका काम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट को एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम करना और उसकी कंडक्टेंस को बढ़ाना। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ मेल्ट इंप्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ सरफेस, सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल पहले कंप्लीटली। नेक्स्ट चलिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनको सर थोड़ा सा तो अपन एलिगम डायग्राम बता। देखो एलिगम डायग्राम क्या होता है, मेटल ऑक्साइड के लिए प्लॉट किया जाता है। क्लियर, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड ये बना दिया, तो आपको पता है ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड, इनके लिए कंबसन हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होना है मतलब कंबसन है, इसका मतलब है ये हीट यहां से निकलने वाली है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए एलिगम डायग्राम लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस और टेम्परेचर। क्लियर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी आपको पता है गिब्स एनर्जी चेंजेस, डेल्टा एच रिएक्शन एंथैल्पी है, वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। जैसे ये एक्सोथर्मिक है तो यहां पे माइनस डेल्टा एच बोला जाएगा इसको, स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव। बिल्कुल, टी टेंपरेचर है, डेल्टा एस एंट्रोपी है, एंट्रोपी का कैसे पता चले? तो डेल्टा एनजी अगर आपका पॉजिटिव है तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव, डेल्टा एनजी अगर आपका नेगेटिव है तो एंट्रोपी भी नेगेटिव, और अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो एंट्रोपी भी जीरो। डेल्टा एनजी क्या है? एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्ट, गैसियस प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल निकालो। देखो यहां देख लो, जैसे ये सोलिड है तो प्रोडक्ट के मोल तो हो गए जीरो और रिएक्टेंट में गैस है हाफ, तो यहां से डेल्टा एनजी क्या आ गया? माइनस हाफ, इसका मतलब आपकी एंट्रोपी भी माइनस होगी। जैसे इसी के लिए मैं लिख देता हूं, चलो तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच और ये माइनस में आ गया तो माइनस माइनस प्लस टी डेल्टा एस। अब आ जाओ डेल्टा जी को बताता है, ये अगर डेल्टा जी को बता रहा है तो ऊपर के डेटा आपको पता है पॉजिटिव में और नीचे के डेटा नेगेटिव। अगर आपके जी तो डेल्टा जी अगर आपका जैसे कि सर ने बताया नेगेटिव में आता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस और डेल्टा जी जीरो आता है तो इक्विलिब्रियम फेज को यह बताता है। तो आ जाओ यहां से ये हो गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट माइनस में रखा है तो मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा, अगर इंटरसेप्ट प्लस में होता तो ग्राफ ऊपर से और इंटरसेप्ट नहीं होता तो ग्राफ मेन पॉइंट से शुरू होता, क्यों सर? माइनस सी प्लस एम एक्स होगी। हाँ, तो अब यहां पर देखो टेम्परेचर के साथ दे रहे स्लोप कैसा है, प्लस प्लस के स्लोप ऊपर जाते हैं माइनस के स्लोप नीचे, तो ये ग्राफ आपका यूज आएगा, ये एक एलिगम डायग्राम हो गया और जिस रिएक्शन का ग्राफ होता है वो रिएक्शन उसके ऊपर लिख दी जाता है। क्लियर, ये होते हैं एलिगम डायग्राम किसके लिए, मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए लिए जाते हैं डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच। ठीक है सर,
अब इसी के साथ अपन थोड़ी सी वो बात कर देते हैं 983 केल्विन वाली इनकी ठीक है। तो देखो कार्बन के लिए आप कार्बन अगर मान लो रिड्यूसिंग एजेंट काम में आ रहा है उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये सी प्लस ओ टू और ये बन गया आपका CO। तो आपको पता है ये गैस और ये आपका सॉलिड राइट। तो इसका एलिगम डायग्राम वही कंबसन है कंबसन। तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच, अब वन में से हाफ गया तो प्लस में आ गया ये, इसका मतलब डेल्टा एच जी एन जी प्लस में आने का मतलब है एंट्रोपी चेंजेस भी प्लस में आ गई, तो ये माइनस का माइनस है रह जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, डेल्टा जी और ये टी इंटरसेप्ट माइनस में और ग्राफ स्लोप भी किधर जा रहा है माइनस, ये कार्बन का ग्राफ आ गया। सी प्लस हाफ ओ टू सीओ सीओ क्लियर। अब ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं अपन, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर है हाफ ओ टू से रिएक्शन करेगा ये सीओ टू बना देगा, तो यहां से देखा जाए ये गैस ये भी गैस, तो यहां पे डेल्टा एनजी जो आने वाला है वो माइनस हाफ आने वाला है, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट तो एंट्रोपी आपकी किस में आ जाएगी माइनस। तो फंडा क्या बन गया डेल्टा जी इज टू माइनस डेल्टा एच एक्सोथर्म में गया रिएक्शन प्लस प्लस डी डेल्टा एस इंटरसेप्ट माइनस में, तो ग्राफ यहां से शुरू स्लोप प्लस में तो ऊपर की तरफ जाएगा, किसका ग्राफ है ये इसके ऊपर बना देंगे ये चीज सी प्लस हाफ और सी ओ प्लस हाफ और टू सी ओ। अब एक चीज देखो इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो ये जो टेम्परेचर है ये होता है 983 केल्विन जहां पे एक दूसरे को काट रहा है। अब समझो इसमें जो नीचे की तरफ होता है ना जिसका ग्राफ नीचे होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट काम में आएगा। अब देखो यहां पर देखें जब टेम्परेचर 983 से नीचे है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ नीचे, इसका मतलब ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, क्यों, जिसके लिए नेगेटिव जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस अभी बताएगा जितना ज्यादा नेगेटिव तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि इसकी बजाय ये फास्ट रिएक्शन देगा, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसीलिए 983 से कम टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस में हमेशा ऊपरी सरफेस पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करता है जिसको रिडक्शन जोन कहा जाता है, ब्लास्ट फर्नेस से ऊपर का जोन रिडक्शन जोन होता है, मेन रिड्यूसिंग एजेंट वहां कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बीच वाला जोन स्लैग फॉर्मेशन जोन होता है, फिर आपका फ्यूजन जोन होता है जहां सॉलिड मेटल आपकी लिक्विड में बदलती है, नीचे वाला कंबसन जोन होता है जहां ऊपर टेंपरेचर कम होता है, हाँ धीरे धीरे बढ़ता है, बिल्कुल नीचे कंबसन जोन नीचे रखा गया इसमें, और नीचे का टेम्परेचर 983 जैसे ज्यादा हुआ, आप देखो ग्राफ किसका नीचे आ गया कार्बन वाला, ये मत देखना कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट साइड में देखना, तो कार्बन वाला ग्राफ नीचे आ गया इसका मतलब अब ये ज्यादा फास्ट ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसकी वजह से एलिगम डायग्राम की वजह से, देख लो आप यहाँ क्यों सर, तो वो चीज मैंने कहा था कि बाद में बताएंगे वो चीज अपन आपको, तो अपन अपने सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन तो पहला अपना था द एलिगम डायग्राम शो द प्लॉट प्लॉट्स ऑफ डेल्टा जी वर्सेस, बिल्कुल सही सही हो गया ये सही है, अपने को सत्य नहीं है सत्य नहीं है वो देखना है, तो ये तो अपना सही हो गया। फिर अगला कह रहा है इन फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस डिप्रेसेंट आर एडेड टू एनहेंस द फॉर्मेशन ऑफ, बिल्कुल ये नहीं 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 कम करता है डिक्रीज करता है एनहेंस ये जो है ना ये वाला, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, रॉन्ग ही आइडेंटिफाई करना। नीचे फिर भी देख लेते हैं जिंक ऑक्साइड का निष्कर्षण कोक के द्वारा, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक आपको पता है, बताया भी था सर अपने वो इक्वेशन आया था, तो जिंक जिंक ब्लेंड की करवाई थी रिएक्शन ना, तो यहाँ पे कार्बन से करवा दो तो जेड एन प्लस सी ओ प्लस सी ओ और आगे वो सी ओ टू अगर दोबारा से सी ओ रिएक्ट करता है, तो ये भी सही है और ये अभी बताया था अभी इससे बिलो टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग, तो ये भी सही है। नेक्स्ट तो ये थी अपने 30 क्वेश्चन थे जिसमें अपने एंटायर चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है आप पहले चैप्टर को पढ़ो उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्यों सर, तो वो बेटर तरीका रहेगा।
जैसे पूरा का पूरा है ना, मेटलर्जी में क्या है बहुत सारी चीजें याद करने वाली ज्यादा रहती है। जी जी, तो इसमें क्या ज्यादातर आप क्या है, इनको एक फ्लो चार्ट बनाओ और इनको याद करो। और तीन चार एक आपके मेटलर्जी सिलेबस में रहती है, एक एल्यूमिनियम है, एक कॉपर है, एक आयरन है, और एक ज्यादातर ब्लास्ट फर्नेस है, एक जो अक्वाते भट्टी जो है, और इसका एक टेम्परेचर जोन दे रखा है, एनसीआरटी में भी दे रखा है, तो उसको एक डायग्राम टेम्परेचर का भी पूछ लेता है कि कौन से टेम्परेचर में कौन सी रिएक्शन हो रही है। और एक इसमें फ्लक्स का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल है ना, एसिडिक बेसिक फ्लक्स इंप्योरिटी। तो ये आपका जो पूरा हमने चैप्टर कोशिश की है कि पूरा कवर हो जाए, और पूरा लगभग चीजें हमने एक्सप्लेन भी कर दी। और एलिंगम डायग्राम ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो सर ने एक्सप्लेन किया सीओ वाला बहुत पेड क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो जेईई भी और मेडिकल में भी काफी कई बार आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो नीट ने पैटर्न चेंज किया है, तो उसमें एलिगम डायग्राम के क्वेश्चन दे सकता है। वैसे नीट तो इसको नहीं लेता था, अभी तक तो नहीं आया, सिर्फ एम्स इसको इंक्लूड करता था। तो एम्स जब इसी से जा रहा है तो क्वेश्चन इंक्लूड करने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी जैसे एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ लो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेल नोन क्वेश्चन थे, हमने कवर करने की कोशिश की। तो ये आपका अच्छा हुआ, हमने कोशिश करी है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।